बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। खुश हो जाइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आइए जानते हैं क्या होता है गटरमैन कोच रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स। बच्चों ARSC की फुल फॉर्म आप जानते हैं। सर्टेन एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी फॉर्माइलेटेड बाय मींस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पे होता क्या है कि सर्टेन हर एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए नहीं बनी है ये रिएक्शन। कुछ सिलेक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो बहुत जल्दी कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट किए जाते हैं जब उनमें पास करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस HCl गैस का मिक्सचर AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। UCl इज रिक्वायर्ड व्हेन रिएक्शन परफॉर्म्ड एट लो प्रेशर। यहाँ पे बच्चों छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको देखना पड़ेगा कि CuCl का यूज केवल तभी करना है जब रिएक्शन के अंदर आपका प्रेशर लो होगा। जो यहाँ पर CuHCl का मिक्सचर लिया है वो हाई प्रेशर पे लिया हुआ है, उनका क्वांटिटी हाई है, प्रेशर आई है, तो CuCl की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ये हमारा जनरल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। बेंजीन के ऊपर हमने CuHCl गैस को पास किया हुआ है, AlCl3 की प्रेजेंस में CuCl लिया हुआ है क्योंकि इनका प्रेशर लो है। और देखिए बेंजीन कन्वर्ट हो गया बेंजल्डिहाइड में। बस ये रिएक्शन कहलाती है गटरमैन कोच रिएक्शन। दिस मेथड इज मोर कॉमनली यूज्ड इन फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन एल्काइल बेंजीन। बच्चों आपको बताया था कि सर्टेन एरोमेटिक कंपाउंड ही फॉर्माइलेटेड किए जाते हैं, उनमें ही CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है, हर एक कंपाउंड में नहीं। जैसे कि बेंजीन एल्काइल बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो रिएक्शन इजीली जाती है वो तब जाती है जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिएक्शन नहीं जाती है। रिएक्शन प्रोसीड्स वाया इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट। बच्चों आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, तो डेफिनेटली बनने वाला है हमारा इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट। रिएक्शन प्रोसीड्स इनटू 3 स्टेप्स। बच्चों आपको याद होगा एलोजिनेशन, फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसके बाद हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद हमने विल्समैन हैक रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, और लास्टली हमने गटरमैन कोच रिएक्शन। इन सब रिएक्शन में जनरली 3 स्टेप होते हैं, उनमें से 2 स्टेप मेन है आप जानते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 स्टेप। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ फॉर्माइल केटायन इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों इस रिएक्शन में गटरमैन कोच रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसका नाम फॉर्माइल केटायन होता है। बच्चों यहाँ पे फॉर्माइलेटिंग मिक्सचर को AlCl3 के साथ में ट्रीट किया जाता है जिससे हमारा बनता है फॉर्माइल केटायन, और ये हमारा गटरमैन कोच रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट है और यहाँ पर ये बनता है लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स। अब लेते हैं बच्चों स्टेप 2। स्टेप 2 में होता है फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आप देख जानते हैं कि बेंजीन जो होता है वो बिहेव करता है लाइक न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अवेलेबल रहता है, प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी। आप देख सकते हैं बच्चों की बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्माइल केटायन के कार्बन पे अटैक करती है जिससे CHO ग्रुप जो होता है वो बेंजीन के साथ कंबाइन हो जाता है। पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो बच्चों बॉन्ड कुछ इस तरह दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी जो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है इसको ही बोलते हैं एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और मजे की बात यह कि आप जानते हैं एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होता है डेट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, अनस्टेबल होता है। अब लेते हैं बच्चों स्टेप 3। स्टेप 3 में होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टू रीस्टोर एरोमेटिसिटी। जो आपका नॉन एरोमेटिक एरिनियम आयन ऊपर बना था वो यहाँ पर वापस एरोमेटिसिटी को एक्वायर करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आएगा, और वो आता है जब एरिनियम आयन से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए ये हमारा एरिनियम आयन है और यहाँ पर कार्बन और एच के जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। देखिए ये बन गया है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड और यहाँ से निकलने वाला H+ AlCl4- से Cl- लेके बनाता है HCl और ये बच गया है हमारा लुईस एसिड कैटलिस्ट। आप जानते हैं कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं।
अब लेते हैं बच्चों प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर आप रिएक्शन करेंगे तो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। अब सर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कराई तो मामला अधूरा रह जाएगा, और हम लोग कभी अधूरा काम नहीं छोड़ते हैं, तो आज ही पूरा करेंगे और आपको कुछ प्रॉब्लम करा के जरूर जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कंडीशन देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन तीनों रिएक्शन में, तो इनको देख के आप बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो गटरमैन कोच रिएक्शन है। गटरमैन कोच रिएक्शन में ग्रुप आता है CHO, तो देखते हैं कहाँ पर लगेगा CHO ग्रुप। तो पहले रिएक्शन के अंदर दो ग्रुप लगे हुए हैं, ध्यान से देखिए दोनों ग्रुप में, एक में हाइड्रोक्सी है और एक नाइट्रो है। तो बच्चों जो यहाँ पर लगा हुआ है इसका इफेक्ट होता है प्लस एम या प्लस आर, ये रिंग को एक्टिवेट करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर भेजता है। लेकिन नाइट्रो जो है इसका इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग माइनस एम और माइनस आर, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा रिंग से और रिंग को कर देगा डीएक्टिवेट। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में जो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा उसको फेवर करेगा OH ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप फेवर नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, बताया भी था आपको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पे लगे होते हैं उन कंपाउंड में ये रिएक्शन नहीं जाती है, लेकिन सर यहां पे तो OH भी लगा है। तो ध्यान रखिएगा कि OH का इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करेगा ओवर द माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रो। तो रिएक्शन जाएगा तो जरूर CHO ग्रुप भी आएगा, लेकिन रिएक्शन पुअरली जाएगा, यील्ड कम आएगा, यील्ड उतना नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। तो देखते हैं कहां पर CHO ग्रुप आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कंपाउंड लिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये वाला मेजर होगा और वो वाला माइनर होगा। बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर CHO ग्रुप OH के साथ में स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग करेगा, और H बॉन्डिंग होने की वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर इस वाले ऑर्थो डेरिवेटिव का ज़्यादा होगा देन डेट ऑफ पैरा डेरिवेटिव। अब कुछ लोग कहेंगे सर H बॉन्डिंग तो यहाँ भी हो सकती है। बच्चों H बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कि यहाँ पर। अब देखिए बच्चों ये नाइट्रो डेरिवेटिव है, नाइट्रो बेंजीन है, तो यहाँ पे गटरमैन कोच रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, ये फेवर नहीं करेगा, ये बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा ये फॉर्माइल कैटायन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब ये हमारा लास्ट है बच्चों, यहाँ ये इथाइल बेंजीन है, तो आप देख सकते हैं इथाइल बेंजीन में गटरमैन कोच रिएक्शन कराने से CHO ग्रुप आएगा, बिल्कुल आएगा, दो पोजीशन पे आएगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। लेकिन सर यहाँ पे देखिए मेजर कौन माइनर कौन, बच्चों अगर यहाँ पर ऑर्थो पे CHO लगाते हैं तो वो इथाइल ग्रुप के साथ क्राउडिंग करेगा रिपल्सन बढ़ेगा, तो ये लेस स्टेबल होगा। पैरा वाले में क्राउडिंग नहीं है, दिस इज मोर स्टेबल, तो ये मेजर होगा हमारा, ध्यान रखिएगा ये मेजर होगा, और बच्चों ये माइनर होगा, मैंने घुमा के लिखा था ताकि आप थोड़ा सोच सकें। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द गटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान रखिएगा गटरमैन कोच रिएक्शन में फॉर्माइलेशन होता है, CHO ग्रुप आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, लेकिन उन एरोमेटिक कंपाउंड में ही आएगा जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, लाइक आपका फिनोल हो गया, आपका बेंजीन हो गया, बच्चों आपका एल्काइल बेंजीन हो गया, ये कुछ सेलेक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें गटरमैन कोच रिएक्शन को ईजिली कराया जाता है। लेकिन कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्शन नहीं जाएगा, पुअरली जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।